नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। लंबे अरसे के बाद आखिरकार अयोध्या में राम लल्ला विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय के जयकारों के साथ की और जय सियाराम पर खत्म किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सियावर रामचंद्र की जय, आपको सबको प्रणाम, सबको राम राम, आज हमारे राम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बधाई। मैं गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो अलग अलग कैमरों से ये न्यूज 24 पर हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो क्षण, वो पल जब आज भारत में इतिहास रचा गया। आप देख सकते हैं पहली तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। जी हां, अयोध्या की राम नगरी आज जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है, और दूसरी तस्वीरें भी आप देखिए जब मंदिर प्रांगण के अंदर पहुंचते हैं, और तीसरी तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जब पूजा अर्चना और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला की यह अलौकिक तस्वीर सामने आई, पूरा देश उत्साह और उल्लास से, उमंग से भर उठा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग कैमरे से दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुंचते हैं, दंडवत आशीर्वाद लेते हैं भगवान रामलला से, और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बाहर की तस्वीरें भी देखिए, ये अद्भुत जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर की तस्वीर देखिए। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद आपको बता दें कि पुष्प वर्षा भी की गई हेलीकॉप्टर से। और वाकई ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनमोहक तस्वीरें। और आज भारत में इतिहास रचा गया, खत्म हुआ वो 500 सालों का इंतजार, और आज भगवान राम आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा आज आपको बता दें कि देश में हर कोई उत्साहित, और आज दिवाली मनाया जाएगा। अलग अलग कैमरे से अलग अलग तस्वीरें हम आपको उस क्षण, उस पल की दिखा रहे हैं जब आज इतिहास रचा गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना करने के बाद पूरे देश में यह अलौकिक तस्वीर, यह अलौकिक मूर्ति रामलला की सबके सामने आई। तो तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर
सिर्फ विजय का नहीं विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 800 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया, उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया। वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है, उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है, जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना यह अपना कर्तव्य बनता है। राम लला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहाँ से जाए। सब लोग तो यहाँ आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे, अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। तो देखिए, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और आज वो मंगल वेला आ गई जब राम लल्ला विराजमान हुए। जी हाँ, ये तस्वीरें या अलौकिक तस्वीरें आज पूरे देश के सामने आई, जिस पल का पूरे देशवासियों को इंतजार था, आज वो क्षण, आज वो पल आ गया सबके सामने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अद्भुत मंदिर, एक वक्त था जब राम लल्ला टेंट में विराजमान थे और आज वो इतिहास रचा गया जब राम लल्ला इस मंदिर में विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम लल्ला विराजमान हुए। ये अद्भुत, ये अलौकिक जो समय था, जो पल था, हर देशवासियों ने बेहद उल्लास के साथ इस हर्ष को मनाया। और देखिए, यह उस वक्त की भी तस्वीरें, हर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पल की जब आज इतिहास रचा गया। देख सकते हैं, पुष्प वर्षा की गई जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये पल देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद ही विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना की और आज वो पल भी आ गया, आज वो क्षण भी आ गया जिसका इंतजार हर देशवासियों को था। जी हाँ, किसी ने सोचा नहीं था कि राम लल्ला ऐसे अयोध्या में विराजमान होंगे, लेकिन इंतजार खत्म हुआ और
आज वो पल आ गया। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को भी बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि आज से हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। को प्रेजेंटेड बाय विमल, दूर कितना भी जाओ इस जुमा से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबा केसरी। को पावर्ड बाय गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। Did you sleep well? स्मार्ट लॉक मतलब टेस्ट ब्रांड, भारत का एक विश्वसनीय ब्रांड। खड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। स्पेशल पार्टनर साइकिल प्योर अगरबत्ती, 1948 से प्रार्थना की खुशबू। एसोसिएट स्पॉन्सर असली आमला डाबर आमला, सर्वकॉन भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। कपड़ों डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।